सो अभी हम लोग आ गए हैं ग्लोबल विलेज। इतना सुंदर एंट्रेंस बना हुआ है इसका। सो यहाँ पे एक्चुअली कुछ 180 या 90 कंट्रीज का फूड्स और शॉपिंग एक्सपीरियंस आप लोग ले सकते हो, ऐसे कुछ है, हमें भी यही पता अभी तक के। बाकी और कुछ तो अंदर चलता चलेगा, तो आइए बने रहिए हमारे साथ। तो मैंने ग्लोबल विलेज के लिए एक ड्रेस रख लिया था क्योंकि मुझे वही सेम ड्रेस नहीं पहनना था, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे फोटोज आने वाले थे। तो यह और फिर ये हम लोग आ गए थे अंदर। तो आते से हमें सबसे पहले और सबसे बड़ा दिखा टर्की, तो सबसे पहले हम लोग गए टर्की में और वहाँ से भी हमने कुछ एक दो चीज़ों की शॉपिंग करी घर के लिए। उसके बाद ये काफ़ी सारी कंट्रीज थी, सो सॉरी इट्स नॉट 80 to 90 कंट्रीज। जब हमने देखा सो इट वॉज 27 कंट्रीज ही वहाँ पर थी अवेलेबल। तो हमने ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज कवर करी, लाइक दो तीन वो भी हमने ही स्किप करी यार, हमें नहीं जाना इस कंट्री में। बाकी हमने सारी कंट्रीज़ देखा, वहाँ का क्या मेन फूड था या फिर क्या शॉपिंग मेन थी वहाँ की, वो सब हमने देखा वहाँ पे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, पर यार यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की। तो अभी हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, देखो यश सारे बैग हरी कंट्री की तरफ, विच इज सेबी बताओ विच इज भारत, हमारा भारत महान। यस देख रहे थे यार, एक एक्साइटमेंट है यू नो, इंडिया में क्या होगा, उसमें उन्होंने क्या शोकेस किया होगा। तो यार फाइनली अब बस हम लोग इंडिया में ही जा रहे हैं। सो ये जो थीम है ये है राजस्थान के जयपुर में हवा महल की, इंडिया का जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यश तो ज्यादा ही खुश हो गया, नहीं क्यों यश? अभी मेरे को ये रेड फोर्ट भी दिख रहा, जरूरी नहीं है हवा महल। नहीं है हवा महल यश, पता नहीं रेड फोर्ट यार प्लीज यश। मतलब इंडिया का खाना देखकर ही मजा आ गया। ये है देसी चाट्स, ये है दिल्ली वैली जहाँ पर सारा पानी पूरी छोले भटूरे नान, ओ माय गॉड ऐसे लग रहा है पता नहीं कितने सालों बाद इंडिया का ऐसा खाना खाने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कि आपको कुछ कंट्रीज़ दिखा दूँ। तो ये था ईरान, यहाँ का मार्केट भी अंदर बहुत अच्छा था, लाइक यहाँ से भी हमने एक दो चीज़ें परचेस करी है घर के लिए ही। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे इजिप्ट में, लाइक इजिप्ट का जो कंट्री था वहाँ पर ये जो थे ये एक बहुत ही अच्छा ये जो छोटे छोटे से फ्रिज मैग्नेट्स थे इस पर वो लोग 4 ways में आपका नाम लिख रहे थे, तो ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा। फिर हमने देखा ये बहुत ही बड़ा आम, जो कि ये फ्लोटिंग मार्केट में बहुत सारे मार्केट लगे थे तो उसमें हमने ये देखा। सो गाइज हमने ग्लोबल विलेज भी कवर कर लिया है फाइनली, ऑलमोस्ट हम 2-3 छोड़ के सारे में ही गए हैं, लेकिन बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए, पैर तो दुख गए, इसलिए अभी हम लोग बैठ गए हैं क्योंकि कुछ 9:30 पे हमारी बस है जो कि डायरेक्टली हमें हमारे होटल के उधर ही ड्रॉप कर देगी, तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई, अदरवाइज मेट्रो और वो सब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता। तो या बहुत अच्छा था वैसे ग्लोबल विलेज, हमने खाने में ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं किया बिकॉज हम लोग वेजिटेरियन हैं और इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, तो हमने तो हमारा इंडियन वाला छोले भटूरे ही खाया है जो कि अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगी ऑब्वियसली, बट हाँ इट्स गुड यार। सच में भगवान जी वो करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। आज क्या हुआ ना, हम लोग की फ़्लाइट रात के 12 बजे की है आज की, और हम लोग एयरपोर्ट आ गए 1 बजे। पहले हमने सोचा था हम एक्सप्लोर कर लेंगे एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, बट यहाँ पर ऐसे हुआ कि हम लोग को फ्लाइट रिफंड भी लेना था, तो वो विंडो जो है वो 6 hours बिफोर चेक इन ही ओपन होती है। तो अगर 12 बजे की फ़्लाइट है तो फ्लाइट रिफंड विंडो जो है वो 6 बजे ओपन होगी, और हमारा जो स्पाइसजेट का फ़्लाइट है उसका चेक इन 8 बजे स्टार्ट होगा। तो हमें लगा यार आज का तो पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, हम लोग कब से बैठे हैं। पर जिस तरीके से यहाँ पर बारिश आ रही है ना, तो अच्छा है हम सही टाइम पर एयरपोर्ट पहुँच गए, अच्छे से पहुँच गए। जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचे थे उसके आधे घंटे बाद बहुत तेज़ बारिश आ रही है, और शाम मतलब अभी कुछ 5:30-6 बज रहे हैं, अभी तक वैसी ही बारिश आ रही है। सो यस ये था दुबई मिरेकल गार्डन और ग्लोबल विलेज का व्लॉग, जो कि हमारा ऑलमोस्ट लास्ट डेस्टिनेशन ही था। इसके बाद दूसरे दिन हम लोग की फ़्लाइट थी रिटर्न,
तो ये व्लॉग ये लास्ट अट्रैक्शन था जो हमने दुबई में कवर किया, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसे लगा। और जैसे मैंने ग्लोबल विलेज में ट्राई किया आपको कुछ कंट्रीज़ दिखाऊँ और वहाँ की कुछ स्पेशलिटीज़ दिखाऊँ, तो वो मैंने दिखाया, बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि लिटरली हम इतने थक गए थे ना दिन में, दुबई मिरेकल गार्डन में इतना चलना, देन ग्लोबल विलेज में भी इतना चलना, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे। तो भी मैंने ट्राई किया कि मैं अच्छे से जो मेन कंट्रीज़ है वो शूट करूँ आप सबके लिए। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और या अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे बहुत सारा प्यार दें।